Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज। मथुरा से मुकेश कौशिक की खास रिपोर्ट। 5 लाख की फिरौती न मिलने पर 11 वर्षीय बच्चे की अपहरणकर्ताओं ने की हत्या। आपको पूरी खबर की जानकारी देते हैं। मथुरा थाना सदर क्षेत्र के औरंगाबाद में शनिवार को 11 वर्षीय बच्चे रुपेश के अपहरण के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद के निषाद मोहल्ला निवासी कैलाश मजदूरी करता है। उसका 11 वर्षीय पुत्र रुपेश शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे घर से बाहर खेलने के लिए गया था। देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं आया तो परिवारजनों ने आसपास खोजबीन की, परंतु उनका मासूम बच्चा कहीं। पिता कैलाश ने थाना सदर बाजार में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार की सुबह कैलाश के पास अपहरणकर्ताओं का फोन आया और बताया कि उसका बेटा उनके कब्जे में है। अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की फिरौती मांगी। SP सिटी ने बच्चे की तलाश के लिए 5 टीमों का गठन किया। पुलिस टीमें मासूम बच्चे की तलाश में जुट गईं। पुलिस ने कॉल के आधार पर पास में ही रहने वाले लोकेश उर्फ पिल्लू को पकड़ लिया। 26 वर्षीय युवक से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जवाहर बाग के पीछे झाड़ियों में बालक का शव बरामद करा दिया। वहीं शव का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पूछताछ के दौरान लोकेश ने बताया कि मासूम बच्चे की शनिवार की शाम को ही उसने हत्या कर दी थी। कितने पैसे की मांग? 5 लाख। कब आया था फोन आपके पास? 7:13। आपने पुलिस को रिपोर्ट कब नोट कराई थी? रात को ही करा दी थी हमने। अब बच्चा कहाँ मिला है आपको? बच्चा जवार बाग में नाला था, उसी में खड़ा हुआ मेरा, बहुत अंदर काटे। कैसे मिला? खड़ा हुआ। आपको कैसे पता चली कि बच्चा वहाँ पर है? हमको क्या पता, साहब लेके गए थे, उन्होंने छानबीन की है। मथुरा के थाना सदर बाजार में कल रात्रि में श्री कैलाश जी द्वारा एक सूचना दी गई कि उनका 11 वर्षीय बालक कल दोपहर में खेलने के लिए गया था, परंतु घर नहीं लौटा है। इस कंप्लेंट पर तत्काल मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया। आज सुबह उनके फोन पर फिरौती से संबंधित एक कॉल प्राप्त हुई। पुलिस को सूचना होते ही तत्काल 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया। इस घटना में मुख्य संदिग्ध के रूप में लोकेश और पिल्लू को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म इकबाल किया गया। वह बच्चे की डेड बॉडी को भी रिकवर कराया गया है। इसके अनुसार बच्चे की हत्या कल शाम में ही कर दी गई थी। पिल्लू उर्फ लोकेश पीड़ित परिवार का करीबी है और कई सालों से उसका घर पर आना जाना है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पैनल ऑफ डॉक्टर्स में वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त से और गहनता से पूछताछ की जा रही है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की गहनता से जानकारी की जा रही है और इस घटना से संबंधित जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।